Hello guys, this is my first time to Ravensa and I am going to the campus of Ravensa. So, देखते हैं आगे क्या होता है. घुमा के दिखाते हैं आपको पूरा. ये Ravensa का फ्रंट व्यू है और आगे आगे देखते जाते हैं क्या क्या है इसमें. पता नहीं यहाँ पे सब लाल 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 कलर का, जहाँ पे देख सकता वही एक ही कलर का दिखाई देगा. फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कहाँ पे क्या है. घूम घूम के देखते हैं क्या क्या है. ये वाइस चांसलर का ऑफिस है और इधर अपना क्लास होता है. और बाकी इधर से जाएंगे तो हम लोग सीधा ग्राउंड की तरफ निकलेंगे. कैंपस में घुसोगे आपको कैंपस एक भयानक लगेगा, अजीब वाला. मतलब इसमें घुसोगे आपका सब कुछ मिल जाएगा. क्या क्या चलता रहता है पता नहीं. यहाँ पे वर्कर्स लोगों का कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शायद, तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ जमा हुआ है. और इधर से हम लोग आगे जाएंगे तो ये हॉस्टल है, ये वेस्ट हॉस्टल है. और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. अब एक शहर जैसा है ना, शहर जैसा बसा हुआ लगेगा. हर तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग और सबका कलर एक ही कलर का. ये मुझे लग रहा है किसी राजमहल में घुस आया. इधर देखो बड़े बड़े बिल्डिंग, अंग्रेज का ज़माना का है कि नहीं. ये जूलॉजी का डिपार्टमेंट है. यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, पता नहीं चलता कौन सा बंदा किस क्लास का है, कॉलेज का है भी या नहीं है. बाकी आईडी कार्ड से पता चलता है. जो ये बीएससी वालों का आईडी कार्ड ब्लू कलर का दिया है और एमएससी वालों का रेड कलर का. और बाकी ये 12 लोगों का यूनिफॉर्म है, स्कूल बच्चे जैसे यूनिफॉर्म है इनका. और इधर ये ग्राउंड है, मैं साइकिल में घूम रहा हूँ. यहाँ पर सन्नाटा है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का है. यहाँ पे कुछ पार्किंग प्लेस है और ये अपना ग्राउंड है. ग्राउंड बहुत ही बड़ा है. सब बिल्डिंग एक ही तरफ एक ही जैसा दिखाई देता है ना, पता नहीं चलता कौन सा बिल्डिंग किसका है. मैं तो पहला दिन आके घूम रहा था, पता नहीं चलता कहाँ पे कौन सा है. और ये है 7 पिलर्स ऑफ विजडम, ये बहुत ही फेमस है. आप अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपका ओडिया बुक वगैरह में दिखाई देगा. और यहाँ पे ये है आपका 7 पिलर्स ऑफ विजडम. यहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है. हम लोग इधर से आगे नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे. देखते हैं क्या क्या है. मतलब अजीब लगता है, हर जगह लाल 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 कलर का. कोई बिल्डिंग का दूसरा कलर नहीं है, थीम है. पहले से ये फंस गया है कुछ जाल में. आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपका मतलब अनोखा फील होगा. तो किस्मत में होना चाहिए पढ़ना. कटअप वगैरह धूम जाता है यहाँ पे. किसी भी बच्चे को उठा लो, उठा के पूछोगे कितना परसेंट है, 90 से नीचे तो आएगा नहीं. साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का 80, आर्ट्स वालों का थोड़ा रिलैक्स है शायद 75-80 तक आ जाता है. यूनिवर्सिटी है, पढ़ने से बहुत अच्छा फील होता है. ये ग्राउंड है और यहाँ से हम चक्कर लगाएंगे. अभी चक्कर लगा जाएंगे, पता नहीं यहाँ पे आने के बाद. वो दही बड़ा फेमस है यहाँ का, कटक में है ना. एक दिन में चल चल के पूरा कैंपस घूम नहीं सकते, पैर पैर दर्द हो जाएगा. मैं साइकिल ले लिया हूँ, ये मेरा साइकिल, इसका नाम बेबो लाइट दिया हूँ. अपना बेबो तो घर में छोड़ के आया, उसी के साथ ब्लॉग होने वाला था. जो अब बाइक इतना दूर लेके कैसा है बोल के छोड़ के आए घर में.
पूरा गांव बसा हुआ है यहाँ पे। इधर देखो साला बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इंसान जाए तो जाए कहाँ। ये न्यू पीजी हॉस्टल है अपने उधर का, एक कॉलेज इतना बड़ा होता है यहाँ पे, एक हॉस्टल उतना बड़ा बड़ा है। ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, मतलब इसके अंदर आपको सब तरीके से फैसिलिटी मिल जाएगा, हर फैसिलिटी यहाँ पे, प्लस टू से लेके पीएचडी तक पूरा। और ये एक हॉस्टल है, इसका नाम है धर्मपद हॉस्टल। यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, गेम सेशन का बहुत ही फैसिलिटी दिया जाता है यहाँ पे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रेवेंसा का, ये न्यू हॉस्टल है। और ये और एक बिल्डिंग, पता नहीं यार कौन सा बिल्डिंग, क्या क्या है, जा रहे तो जा रहे, बस चल रहे, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा है तो सही है। ये जो यूनिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों का, ये 12th क्लास के हैं। ये 12th क्लास के बच्चे भी हमेशा ही जैसे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े। मैं तो इनके सामने नन्ना मुन्ना बच्चा दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे कटक में आया जैसे पहले, और कहीं पे मन को दही भरा नज़र आ रहा था। किसी को भी देखो भाई भूख लग रहा है, बोले चल दही भरा खाते हैं। पता नहीं दही भरा में ऐसा क्या है, खाया जो एक जगह से खाया दही भरा, अच्छा लगा था, आपको लेके चलूँगा वहाँ पे। बने रहिए मेरे साथ, दही भरा भी खिलाएंगे। अच्छा दही भरा मैं खाऊंगा, आप लोग बस देखना है, बस वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह बढ़ती बढ़ती पड़ा है। और इतने सारे बच्चे हैं, कोई किसी को पहचानता है कि नहीं पता नहीं। पूरा शहर बसा हुआ है पूरा, मतलब कटक में पूरा यही कैंपस है, थोड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा वाला और ये सबसे पुराना वाला कॉलेज। तो पहले कॉलेज था, यूनिवर्सिटी हो चुका है। इतने बच्चे भर भर के ये हॉस्टल है। मैं थक चुका हूँ साल, एक चक्कर लगाते लगाते साइकिल में थक गया। ये दया हॉस्टल, हॉस्टल भरे पड़े हैं, सीट नहीं देते हम लोग। हमारा ETC का है और ETC के लिए सीट नहीं है। मैं बाहर रूम लेकर रहता हूँ, हॉस्टल में डाला हूँ, अभी तक मिला नहीं है। ये एक हॉस्टल है, ये शायद गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा, तो ये है प्लस टू का, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल का 11th-12th के बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। ये सब आपका 11th-12th के बच्चे हैं, ये 11th-12th का। और ये कैफेटेरिया है इधर, आगे चलते हैं। पता नहीं क्या क्या घर बन, वो अंग्रेज का जमाने का। ये मेरा दोस्त है, इसका मैथ डिपार्टमेंट है। ये पूरा एकदम देखो खुशी दिखाई दे रहा है इसका चेहरे पे। दोस्त का क्लास था वो निकल गया, मेरा क्लास 1 बजे से है, तो हम लोग तब तक तो थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे। कलर वलर चल रहा है, कलर भी करते चलो, सेम कलर करते हैं, क्योंकि दूसरा कलर चेंज भी नहीं करते बिल्डिंग का। दूसरा तो अच्छा है जब पूरा कैंपस का एक ही कलर दिखाई देगा आपको हर कहीं पे। और यहाँ पे सुविधा बहुत सारा है, कैंपस के अंदर बैंक भी है, ATM वगैरह 2 है, पैसे वैसे का उठाने का कोई दिक्कत नहीं है। और ये इधर से मेरा डिपार्टमेंट है, इधर वहाँ पे 2 ATM है, और इधर आपको एक बैंक का जरूरत है, वही बैंक है। बाकी ये फ्रंट है, ये लॉन है, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। अभी लॉन में घुसाए हैं, इधर ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फुल पैड वगैरह लगा हुआ है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ये है फिजिक्स का डिपार्टमेंट और ये है सेंट्रल लाइब्रेरी है, बीच में बड़ा सा एक्टोगेट है और उधर वो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट और इधर क्या क्या डिपार्टमेंट है मेरे को अभी तक पता नहीं है। आज पहला है अभी मेरा 2 दिन हुआ है बस, तो अभी घूमेंगे यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉग कर ली, ब्लॉग बस बने रहिए। माहौल बहुत सुहाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर अंदर का, एक वीडियो में आएगा, एक वीडियो में सब बना नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो बने रहिए और क्या। तो रेवेंसा में आने के बाद मज़ा बहुत आ रहा है, जो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे माहौल भी बहुत सही है, जो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा यहाँ पे, आपको खेल वगैरह अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको बहुत सारा स्कोप मिल जाएगा, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर डिपार्टमेंट, फिर बहुत सारा गेम मन होता है और पढ़ने के लिए भी बहुत सही जगह है। मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आपको अंदर से ही पढ़ने का अलग फील आएगा, क्या एक प्रोफेशनल लगेगा यहाँ पे, मतलब इतने सारे बच्चे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, उसमें पढ़ने का फील ही अलग आएगा, मेरा तो पता नहीं। और यहाँ पे टीचर लोग भी मस्त पढ़ाते हैं यहाँ पे, मतलब पढ़ाने का तरीका वगैरह भी, टीचर तो नहीं प्रोफेसर मन, मतलब भयानक, मतलब मज़ा आ जा रहा है पूरा बहुत। मैं तो पहला दिन बाइक लेके आया था भाई का 2 दिन बाइक लेके आया था भुवनेश्वर से, फिर अभी और नहीं हो रहा तो रूम शिफ्ट किया हूँ, तो चल चल के होगा नहीं तो साइकिल ले लिए, उसके साथ घूम रहे हैं। वैसे कटक में बाइक भी रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अगर बाइक रखते हो तो जब टाउन थोड़ा कंजेस्टेड है ना, तो बाइक से साइकिल ही बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर और एक ब्लॉग में देखेंगे और क्या।